अब मैं चाहता हूँ अकाउंट नंबर टाइप करना। अब अकाउंट नंबर अगर आपका 11 डिजिट तक तो आपका शो कर देगा सिंपली, लेकिन जैसे 12 डिजिट का होगा वो साइंटिफिक फॉर्मेट में शो कर देगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नंबर फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट सेल के अंदर कस्टम में जाएं और यहाँ पे आप कुछ नहीं, एक जीरो या हैश दे दें, जीरो भी दे सकते हैं और हैश भी दे सकते हैं। इस बार मैं जीरो दे देता हूँ, देन ओके आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जैसे ही नंबर जाएगा 15 डिजिट तक, हो गया 13, 14, 15 डिजिट तक आराम से शो करेगा। 15 डिजिट के बाद जैसे 16 डिजिट डालोगे, मैंने मान लीजिए इसमें डाला 5, वो आपका जीरो बन जाएगा। या फिर मैंने मान लिया 7, 8, 9, 6 चार डिजिट डाल दिया, ये चार जीरो बना दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सेल के अंदर में या आपकी जो कंप्यूटर है उसकी जो मैक्सिमम कैलकुलेशन का जो कैपेसिटी है वो आपका 15 डिजिट तक का है। वो 15 डिजिट से ज़्यादा की कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। अगर आप उससे ज़्यादा की कैलकुलेशन देते हैं तो उसको जीरो में कन्वर्ट कर देगा। जी हाँ, जीरो में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा नहीं कि मैंने इस पे प्लस वन किया तो प्लस वन करने के बाद लास्ट बार जीरो वन होना चाहिए, नहीं होगा जीरो वन, ये जीरो ही रहेगा। लेकिन अगर आपको 15 डिजिट से ज़्यादा नंबर्स लिखने हैं तो सिंगल कोड लगाएं और 32,767 कैरेक्टर आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन वो किस में होगा, तो टेक्स्ट में होगा, वो नंबर बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा, टेक्स्ट होगा।